नमस्कार, बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। मैं नेहा सिंह, जी बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करती हूँ। हर बार कोशिश होती है कुछ खास, कुछ विशेष लेकर आप तक हाजिर होने की। नाम सतीश प्रसाद सिंह। उम्मीद है बहुतों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि आप सभी को पता चल जाए आखिर सतीश प्रसाद सिंह सिर्फ कुछ दिनों के लिए क्यों मुख्यमंत्री बने। लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल लाइफ ही नहीं, सतीश प्रसाद सिंह का पर्सनल लाइफ ज़्यादा प्रेरक, ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। और वो हर किसी के लिए जो आज के समय में अपने किस्मत को पॉलिटिक्स में देखता है या भविष्य अपना पॉलिटिक्स में समझता है। सतीश प्रसाद सिंह मुंगेर के रहने वाले थे, मुंगेर के डीजे कॉलेज में पढ़ाई करते थे। पढ़ाई के दौरान ही उनकी दोस्ती एक महिला से हुई जिनका नाम ज्ञानकला था। ज्ञानकला से दोस्ती कब मोहब्बत में बदली सतीश प्रसाद सिंह को भी पता नहीं चला। और जब ये मोहब्बत हो ही गई थी तो सतीश प्रसाद सिंह का ये प्रयास रहा कि इस मोहब्बत को शादी के रिश्ते में बांधा जाए। जब आप बात आगे फैमिली तक पहुंचाने की थी, माता पिता से बात करने की थी, और आपको बता दें सतीश प्रसाद सिंह कुशवाहा समुदाय के आते थे, तो वहीं ज्ञानकला वैसे समुदाय से आती थी। दोनों के बीच में बहुत भारी अंतर, दोनों के फैमिली मानने को तैयार नहीं, लेकिन शादी करने का निर्णय इन्होंने ले लिया था। पूरे हिम्मत और हौसले के साथ सतीश प्रसाद सिंह अपने फैमिली को जाके बताते हैं कि मैं शादी करना चाहता हूँ इस लड़की से। लेकिन फैमिली बहुत रईस और ज़मींदार पृष्ठभूमि की, काफ़ी अमीर लोग थे, उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिश्ता पॉलिटिक्स से था। उन्होंने सीधे तौर पे अपने बेटे को मना कर दिया, लेकिन सतीश प्रसाद सिंह ने यह तय कर लिया था कि शादी वो उसी लड़की से करें। अब मोहब्बत को पाने के लिए परिवार से अलग हो गए सतीश प्रसाद सिंह, क्योंकि उनको फैमिली से अलग कर दिया गया। फैमिली से अलग होने के साथ ही उनको रहने खाने के लिए कुछ चंद ज़मीन के टुकड़े दे दिए गए। हालांकि वो ज़मींदार फैमिली से आते थे, लेकिन जब उनको अलग किया गया तो कुछ बहुत मामूली सा ज़मीन का टुकड़ा उनको दिया गया, जिसके एवज़ में वो जी सके या रह सके। सतीश प्रसाद सिंह जब शादी करके फैमिली से अलग हो जाते हैं तो उनकी दिली इच्छा होती है कि वो पॉलिटिक्स में किस्मत आजमाएं। इसके लिए उन्होंने 1962 विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने के लिए सोच लिया। 1962 में परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ना चाहते थे। बहुत हाथ पैर मारने के बाद उनको टिकट मिल गया स्वतंत्र पार्टी से। वो चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने उसी ज़मीन को बेचा जो उनको ज़िंदगी काटने के लिए मिली थी। उस ज़मीन को बेचने के बाद जो कुछ पैसे आए उससे उन्होंने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। अभी भी पूरी ज़मीन उन्होंने नहीं बेची थी। यानी दो साल बाद उसी विधानसभा क्षेत्र में उनको बाई इलेक्शन लड़ने का एक बार फिर से मौका मिलता है। बाई इलेक्शन के लिए भी पूरे तरीके से तैयार, हालांकि वो तब भी चाहते थे किसी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़े, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। उन्होंने तय किया कि अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला रहा, लेकिन एक बार फिर से पैसे का अभाव, एक बार फिर से उसी जादुई ज़मीन को उन्होंने बेचने का फैसला किया। ज़मीन बेची, कुछ पैसे जुटाए, जुटाने के बाद एक बार फिर चुनाव लड़ा इस मंशा से कि शायद इस बार जीत जाएंगे, क्योंकि मुद्दा वो लगातार पिछड़ों को उठा रहे थे और उस वक्त तमाम पार्टियां पिछड़ों के मुद्दे को ही उठा रही थी। हालांकि आज भी चुनाव के वक्त में ये मुद्दे बड़े सामने तरीके से उठाए जाते हैं, लेकिन एक बार फिर से वो चुनाव हार गए। बात 1964 की। इसके बाद पूरे तरीके से टूटने के बाद सतीश प्रसाद सिंह कुछ दिनों के लिए सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते रहे, लेकिन एक बार उनको फिर से चुनाव लड़ने का मन किया। 1967 की बात है। 1967 में सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने उनको मौका दिया। ये राम मनोहर लोहिया की पार्टी थी, इस पार्टी से उनको मौका मिला चुनाव लड़ने का। इस चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने उनको टिकट दिया। इस चुनाव में जब वो राम मनोहर लोहिया के पार्टी से उम्मीदवार के तौर पे परबत्ता विधानसभा सीट पे उतरते हैं, तैयार हो गए थे, टिकट भी था, एक स्ट्रॉन्ग पार्टी का सपोर्ट भी था, और इस बार 1967 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीतते हैं सतीश प्रसाद सिंह और बनते हैं विधायक। यहाँ से करवट लेती है उनकी ज़िंदगी, उनकी किस्मत, जब वो पहली बार विधायक बन जाते हैं तब। लेकिन इस वक्त कांग्रेस को हरा कर सोशलिस्ट पार्टी सत्ता में आती है। 68 विधायक होने के बावजूद सोशलिस्ट पार्टी ने जन क्रांति दल को मौका दिया कि वो अपना मुख्यमंत्री चुने। मुख्यमंत्री के तौर पे महामाया प्रसाद सिंह शपथ लेते हैं, और इससे लगातार समाज, जो सोशलिस्ट पार्टी के जितने तमाम विधायक थे, वो नाराज। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से नाराजगी लगातार सतीश प्रसाद सिंह की बनी हुई थी। नाराजगी की वजह थी कि उन्हें लग रहा था कि राम मनोहर लोहिया फॉरवर्ड कास्ट को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं।
इसके पीछे भी एक कहानी है। लगातार सतीश प्रसाद सिंह मेडिकल कॉलेज में एक प्रोफेसर की पैरवी करने के लिए मुख्यमंत्री के आगे पीछे कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री मान नहीं रहे थे। इसके लिए बीपी मंडल, जो उस वक्त के पिछड़ों के नेता के तौर पर माने जा रहे थे, उन्होंने सतीश प्रसाद सिंह को ये सुझाव दिया कि चलो 16 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री के घर पे चलते, हो सकता है दबाव बने और जिनके बारे में पैरवी की जा रही थी उनकी पैरवी हो जाए और वो नियुक्त हो जाए बतौर प्रोफेसर। लेकिन महामाया सिंह उस वक्त भी नहीं माने, और इसके अलावा बीपी मंडल के ऊपर भी राम मनोहर लोहिया ने उस वक्त एक कार्रवाई कर दी थी। वो कार्रवाई दूसरी थी, उसकी कहानी हम अगली बार बताएंगे। बात हम त्रिवेणी फार्मूला की कर रहे हैं। त्रिवेणी फार्मूला इसलिए फेमस हो गया क्योंकि कांग्रेस ने उस वक्त एक फार्मूला निकाला था कि किस तरीके से पिछड़े वोट बैंक को स्ट्रॉन्ग करना है, और इसी फार्मूला के तहत 25 से 28 विधायकों की जो ज़रूरत थी कांग्रेस के शोषित दल से, उनको पूरा हो रहा था। उन्होंने अविश्वास के सामने राज्यपाल के हाजिर किया, सरकार गिर जाती है महामाया प्रसाद सिंह की, मुख्यमंत्री पद से वो हट जाते हैं। अब मौका है कांग्रेस के पास सरकार बनाने का। कांग्रेस ने फार्मूला पहले ही तय कर दिया था कि कुछ फिक्स टर्म के लिए कुर्मी, कोइरी और यादव, ये तीन समुदाय के लोगों को मौका मिलेगा मुख्यमंत्री बनने का। कोइरी से दो नाम सामने आते हैं, पहला नाम होता है सतीश प्रसाद सिंह का, दूसरा नाम होता है जगदेव प्रसाद सिंह का। ये दो नाम जो हैं वो कोइरी के तरफ से होते हैं, लेकिन कांग्रेस चाहती थी जो जगदेव जी हैं उनको आगे इस्तेमाल करने के लिए, तो वहीं पर सतीश प्रसाद सिंह का इसलिए मुख्यमंत्री बनने का रास्ता आसान हो गया क्योंकि जगदेव जी को कांग्रेस ने आगे इस्तेमाल करने का ठान लिया। तो इस तरीके से सतीश प्रसाद सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन आगे गांधी जी की पुण्यतिथि आती है, राज्यपाल जो उस वक्त के तत्कालीन राज्यपाल थे कानू नागो, वो जाते हैं उस पुण्यतिथि में, लेकिन उस वक्त स्टूडेंट आंदोलन बहुत तेजी से हो रहा होता है। जैसे ही वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करके वापस आ रहे होते हैं, तभी क्या होता है कि स्टूडेंट अपना विरोध जता रहे होते हैं। स्टूडेंट के विरोध में पत्थरबाजी भी होती है, उस पत्थरबाजी में तत्कालीन राज्यपाल का निधन हो जाता है। उस वक्त सतीश प्रसाद सिंह से सभी लोगों ने ये कहा है कि जो आरोपी स्टूडेंट हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। सतीश प्रसाद सिंह ने सभी लोगों के शंकाओं को दूर करते हुए कहा कि किसी भी विद्यार्थी को इसमें आरोपी नहीं बनाया जाएगा। इस फैसले के बाद सतीश प्रसाद सिंह बतौर मुख्यमंत्री के तौर पे हटा दिए जाते हैं। सिर्फ 3 से 5 दिनों के लिए मुख्यमंत्री रहे सतीश प्रसाद सिंह की कहानी इतनी छोटी सी है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने दृढ़ संकल्प करके सबसे पहले इंटरकास्ट मैरिज किया परिवार से अलग होके, और कुछ ज़मीन के टुकड़े से 3 बार चुनाव लड़े, और 3 बार चुनाव लड़ने के बाद जिस तरीके से उन्होंने हिम्मत नहीं हारा, फिर आगे लोकसभा चुनाव भी लड़ते हैं, और उसके बाद शानदार पॉलिटिकल करियर, महज 3 से 5 दिनों के लिए भले मुख्यमंत्री रहे हो, लेकिन आगे जिस तरीके से उन्होंने अपनी, उसके बाद वो कांग्रेस के साथ मिलते हैं और कांग्रेस के लोकसभा सांसद भी बनते हैं, तो इस तरीके से उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर को ज़रूर आगे बढ़ाया। और सतीश प्रसाद सिंह का एक बड़ा फेमस कोट है जो हम आपके सामने रखना चाहेंगे। जिस तरीके से वो रातों रात मुख्यमंत्री बने थे उस पे उन्होंने उनका कहना था, 28 जनवरी की बात है 1968, मेरे घर पे कांग्रेस विधायक दल के नेता महेश प्रसाद सिन्हा, राम लखन सिंह यादव साथ आए। उन्होंने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा। दोनों ने ये भी कहा कि उन्होंने बताया भी नहीं कि कहाँ चलना है, हालांकि सतीश प्रसाद सिंह ने पूछा कि मुझे जाना कहाँ। इसके बाद ये दोनों मुझे लेके सीधा राजभवन चले गए। राजभवन में राज्यपाल नित्यानंद कानगो थे, और नित्यानंद कानगो के सामने 2 मंत्री के साथ मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया गया इनको। तो ओवरनाइट बतौर मुख्यमंत्री ये बना दिए जाते हैं, और ओवरनाइट बतौर मुख्यमंत्री हटा भी दिए जाते हैं। उम्मीद है सतीश प्रसाद सिंह के दृढ़ संकल्पित कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि लाख अभाव के बाद भी ये चुनाव लड़ते हैं, किस जिस तरीके से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, जिस तरीके से अपने मोहब्बत को शादी तक पहुंचाते हैं, और जिस तरीके से आगे शोषित दल से अलग होकर फिर कांग्रेस में चले जाते हैं और कांग्रेस से सांसद बनते हैं और फिर मंत्री बनते हैं। तो एक लंबा पिछड़ों की राजनीति, पिछड़ों की आवाज़ बनने का भरपूर प्रयास सोशलिस्ट पार्टी से अलग होके सतीश प्रसाद सिंह ने किया था। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। दोबारा से कोशिश रहेगी ऐसी कहानी आप तक पहुंचाने की, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप बिहार के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें, और हमारी कोशिश रहेगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। नमस्कार।